नमस्कार, मैं हूँ प्रीति शर्मा और आप देख रहे हैं खबर 9। हरदोई के अग्रवाल धर्मशाला में चल रहे शिव पुराण कथा के पांचवें दिन कथा के विश्राम दिवस पर मध्य प्रदेश सीहोर से पधारे कथा व्यास पंडित प्रदीप मिश्रा ने भगवान शिव के कल्याणकारी स्वरूप 12 ज्योतिर्लिंग का महत्व सुनाकर समस्त मानव कल्याण के लिए भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना की तथा कथा के मुख्य यजमान पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष मुकेश अग्रवाल, उनकी धर्मपत्नी कामिनी अग्रवाल सहित पूरे अग्रवाल परिवार व समस्त हरदोई वासी व कथा प्रेमियों को अपना आशीर्वाद देते हुए भोलेनाथ से मंगल कामना की। इस मौके पर डॉक्टर रमेश अग्रवाल, राकेश अग्रवाल, मीना अग्रवाल, राम प्रकाश शुक्ला, शीशा पाल सिंह, मनीष चतुर्वेदी, पंडित रज्जन मिश्रा, यश अग्रवाल, गौरव अग्रवाल, अजीत सिंह, आशा राजीव सिंह, टेनी त्रिलोकी सिंह, एडवोकेट कल्लू रस्तोगी सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु ने भगवान शिव की आरती उतारी। सुनो, पद्म पुराण, अग्नि पुराण, नर्मदा पुराण, शिव महापुराण, किसी भी पुराण को श्रवण कर, उस पुराण को श्रवण कर अपनी कामना कर होती है। पुराण को श्रवण कर दान के महत्व का वर्णन किया, दान के महत्व को समझाया, दान की महत्वता को दर्शाया और शिव पोथी की महत्वता और दान की महत्वता को कहते हुए आपसे भी निवेदन है, बन सके स्मरण करिए, दान करिए, पुण्य करिए, शिव कथा का स्मरण करो, बन सके नाम जाप करो, राम जाप करो, कृष्ण जाप करो, तुमसे जो बन सकता है वो स्मरण, वो बचा नाम जाप किया, दान का महत्व समझाया और दान के महत्व के बाद भगवान भूत भावन भूतेश्वर भोलेनाथ ने भगवान शंकर की पावन कथा को विराम की ओर लिया, प्रणाम किया। चंचुला अपने पति के धाम को जाती है, भगवान भूत भावन भूतेश्वर भोलेनाथ के सम्मुख में तुमरुका जी ने कहा, हे भोलेनाथ, ये आपकी कथा आपके ही द्वारा बाची गई, आप ही ने श्रवण करी, हे भूत भावन भूतेश्वर, कुमारी कन्या इस कथा को श्रवण करेगी उत्तम वर को प्राप्त करेगी, कोई पुरुष इस कथा को सुनता है तो धन वैभव को प्राप्त करता है, सौभाग्यवती नारी अखंड सौभाग्य को लेकर धाम को जाती है और वेधव्य नारी विधवा अगर इस कथा को सुनती है तो वो पति के लोक को जाती है, ऐसी पुण्यमय कथा का रसस्वादन कर रहे हैं। पावन कथा को सुना, आज वो कथा जिस कथा को हम श्रवण करे हैं पांच दिवस तक इस अग्रवाल परिवार के द्वारा, आदरणीय श्री मुकेश जी अग्रवाल जी के द्वारा इस पुण्यमय कथा का जो हमने रसस्वादन किया है, जो कथा को हमने श्रवण किया है, उस पावन कथा को आज विराम की ओर ले रहे हैं। कथा का स्वागत आचार्य जी के मुंह से सुना, मुझे विश्वास है इस तरीके का सहयोग और आशीर्वाद आप लोग हमें प्रदान करते रहेंगे और मुझे उम्मीद है इस तरीके का आयोजन स्वामी जी के प्रचार रूप से एक बार फिर से हम फिर से करवाया जाएगा। आप लोगों के बहुत बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद। यूपी के हरदोई से अखिलेश सिंह की रिपोर्ट। तो आज की खबरों में फिलहाल इतना ही, बने रहिए हमारे साथ खबर 9 में।